क्या बोला तो दादा दादा कौन चीज दादा चले गया दादा चल गला दीदी दीदी हाँ? दीदी 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 दादा दादा Hey everyone, so welcome to my YouTube channel. तो सुबह का वीडियो है ये, सुबह लगभग ये 3 बजे का वीडियो है. तो हम लोग जो है सुबह सुबह घाट पर जाते हैं, क्योंकि एक शाम का अर्घ होता है, एक सुबह का अर्घ होता है छठ पूजा का. तो ये मैं सेकेंड पार्ट वीडियो बना रही हूँ. यहाँ पर देखिए बाबू लोग मस्ती कर रहा था, सबको रेडी मैंने कर दिया था. मेरा ओम बाबू नहीं गया था, उसको तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था. तो हम लोग रेडी वेडी होकर के उसके बाद घाट पर पहुंचे. अभी देखिए लगभग घाट पे 4 बज रहा था. देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है, 4:30 बज रहा था शायद. मतलब उठे थे तो सबको 2 ही बजे उठे थे. भाभी खाना वाना भी बनाई, उसके बाद निकले हम लोग. और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग फटाके वटाके फोड़ रहे हैं, और मेरे भैया भी पापा फटाके फोड़ रहे हैं. मेरे भैया जो है ना, मतलब फटाके लाए थे, एक डब्बा भर के, बहुत बड़ा डब्बा लेकर के आए थे, और वो जस्ट रखे नीचे. और उधर एक फटाका जलाने गए, कोई उनका फटाका का डब्बा ही लेकर के चला गया. गाइस तो ये बहुत ही ख़राब बात है, किसी का भी सामान नहीं चोरी करना चाहिए, अच्छा बात नहीं है. तो पूरा पैकेट ही था, मतलब न्यू पैकेट था, उसमें बहुत सारे फटाके आए हुए थे. तो किसी ने वो पूरा का पूरा उठा लिया, तो इसलिए भैया का थोड़ा मूड स्वेल अप हो गया, तो थोड़ा मूड ख़राब हो गया. ये मेरी रही रितिका रानी, बहुत प्यारी मेरी बेटी लग रही है. और देखिए सब कोई कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, कोई लहंगे पहने हुए हैं. और ये एक भाभी है मेरी, और ये मैं रही. और बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मतलब थोड़ा धीरे 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 दिन होने लगा था वहाँ पे. तो सूरज भी थोड़ी थोड़ी करके निकलना स्टार्ट हो गया था, थोड़ा 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 थोड़ा. अब देखिए लाल लाल हो रहा है, और इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि क्या बोलूँ. बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोग थे, तो बहुत ज़्यादा तो शोर तो होगा ही. तो देखिए बहुत सारे लोग आए हुए थे, सारे के सारे मेरे गांव वाले ही हैं, सारे कोई मेरे दीदी चाची मौसी दादा दादी, मतलब सब कोई कुछ ना कुछ है. और ये मेरे मम्मी डुबकी मार रही है. तो सूरज धीरे धीरे निकल रहा है गाइस. और ये जो समय होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इन लोगों के लिए मुश्किल होता है. और वो मेरी भाभी रही जो कि बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, और मुझे मानती भी बहुत ज़्यादा है. वैसे मुझे लगता है, आप पता नहीं मानती है कि नहीं मानती है मतलब ऐसा फीलिंग आता है ना कि वो आपको वो पसंद करती है कि नहीं करती है. तो गाइस वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक करती है, मैं भी उनको बहुत लाइक करती हूँ. तो पानी जो था ना, इस बार जो है ना घाट पे पानी इतना ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा पानी था. इतना ज़्यादा पानी कभी नहीं रहता है, और पूरा घाट साफ़ सुथरा रहता है. और मैं ये सब पोज मार रही थी, और पीछे पापा थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया. मैंने वीडियो में ध्यान दिया, अगर पापा देखते ना, अगर मुझे वीडियो या फोटो खींचते हुए मेरे पापा देखते ना, तो मेरे पापा क्या बोलते हैं, अब क्या फोटो वोटो खींचते रहती हो, ब्याह शादी हो गलो और फोटो खींचे जी, अब क्या जी भी इंग्लैंड मेरे बाबा यही कहेंगे. तो देखिए थोड़ा थोड़ा देखिए भगवान निकलना स्टार्ट हो गया. आपको दिख रहा होगा एकदम लास्ट में, देखिए वो जो खंभे दिख रहे हैं ना, उसके बीच में छोटा सा रेड रेड आपको दिख रहा है. अभी धीरे धीरे देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा देखिए एकदम लाल लाल दिख रहा है. और ना इतना ज़्यादा सामने से लाल पूरा दिख रहा था ना गाइस, इतना मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था. तो अभी सब कोई का पूजा हो गया, क्योंकि भगवान निकलने के बाद, दर्शन हो जाने के बाद पूजा कंप्लीट हो जाता है. तो अभी मेरी भाभी जो है धीरे धीरे मम्मी को सारा सूप उठा उठा के देगी, उसके बाद जो है सब पानी में डालेंगी. और ये मेरे पापा, मेरा बाबू रहा, ये मेरा भतीजा है, और ये मेरे पापा जी हैं, और ये मेरा भाई है, भाभी है, मम्मी है, सब कोई थे.
और ये जो येलो कलर का जो कुर्ता पहने हुए वो मेरा भाई है, ये ब्लू कलर की साड़ी में मेरी भाभी जी हैं, और मेरी मम्मी तो पहचान ही गए, मेरी मम्मी पूजा कर रही है, और ये मेरी भतीजी है गाइस। तो इनका जो है ना, मतलब ये बहुत ही क्यूट है, लेकिन इसका हेयर कट के ना बहुत ही मतलब खराब हो गया है इनका फेस का थोड़ा सा कटिंग। हेयर जब थोड़ा सा निकलेगा तो शायद ठीक हो जाएगा इनका फेस। थोड़ा हेयर कट के वजह से कभी कभी होता है ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ आपके फेस पे जो है ना सूट करते हैं, तो मीठी का जो है ना सूट करता है हेयर पे, बिना हेयर का अच्छा नहीं लगता उनको। तो अभी भाभी धीरे धीरे सूप देना स्टार्ट की है, मेरी मम्मी जो है धीरे धीरे सब भगवान को सूप जो है अर्पण कर रही है, और ये सूप जो है एक मेरे नाम का भी मेरी मम्मी चढ़ाती है बचपन से ही, आप देखो। और देखिए कितना ज़्यादा सूरज जो है ना पूरा निकल गया था, इतना लाल लाल लग रहा था कि मतलब सुबह इतना सुबह तो देखिए अक्सर कोई नहीं उठता है, और आज सब कोई उठे तो सब कोई को ये नज़ारा देखने को मिला है गाइस। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी था, और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा। ये जो सारे लोग आप लोगों को दिख रहे ना, सारे के सारे जान पहचान के सारे गाँव वाले ही हैं, इतने सारे मतलब हम लोगों के घाट पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आता है, इतना अच्छा लगा। मतलब अगले बार तो मैं जा नहीं पाई थी, इस बार जो है ना, इस बार भी जाने का कोई प्लान नहीं था, मतलब मेरा जाने का मन था लेकिन मैं बीमार पड़ गई थी बहुत ही ज़्यादा। और ये ठाकुर जी आ चुके थे क्योंकि बाबू का जो है ना मुंडन गछा हुआ था, तो इसलिए मुंडन हो चल रहा था, क्योंकि कोई मतलब बड़ी मम्मी थी वो शायद मुंडन गछे थे उनका, तो इसलिए मेरी मम्मी कटवा रही है मुंडन मेरे भतीजी का, मीठी और प्रेम बाबू का। उनका मेरी भतीजी का नाम जो है मीठी है, और मेरे भतीजे का नाम जो है प्रेम बाबू है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी जो है मतलब कुछ दिन के बाद जो है ना, मतलब 2-3 दिन के बाद ही मेरी मम्मी लोग जो है ना बाबा धाम जाने वाली थी, तो इसलिए जो है ज़्यादा नहीं कट करवाई, थोड़ा थोड़ा ही मतलब कट करवाया, मतलब नियम सिर्फ करवाए, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं करवाया, सिर्फ नियम करवाया, बाबू का भी नियम करवाए, ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि फिर वहाँ जा कर के जो है ना सारा हेयर कटवाना था, क्योंकि बाबा धाम में भी गछा हुआ था, और बाबू मेरा थोड़ा सा चटपट चटपट कर रहा था, उसको डर लग रहा था, हंसाया था, उसको लग रहा था ये क्या कर रहा है, वो डर रहा था। तो मेरे पापा जो है गोदी में लेकर के कट कर रहे हैं, और मेरी मम्मी जो है खोइचा में उनका हेयर ली है, क्योंकि कोई मतलब खोइचा में लेना पड़ता है, तो यहाँ पर मेरे भैया जो है उनको मतलब कट करवा रहे हैं पकड़वा करके, क्योंकि बाबू छटपट छटपट कर रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा गाइस तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हम जैसे तैसे बना रहे थे, हमको बहुत ही ज़्यादा जल्दी तबीयत ख़राब हो गया था मेरा, फिर भी हम बनाए जा रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी जो है बाबू लोग को कट के ऊपर जो है हल्दी और दही लगा रही है, क्योंकि मुंडन होने के बाद हेयर पे जो है ना हल्दी दही शायद लगाया जाता है। यहाँ हल्दी दिख रहा है, अब उसमें दही मिलाई है कि क्या नहीं मिलाई है भगवान जाने, हमको इतना ध्यान है, लेकिन शायद मुझे इतना पता है कि हल्दी दही लगाया जाता है, और मैंने इतना पूछा भी नहीं अब क्या है नहीं है। तो हल्दी दही जो है मम्मी लगा दी थी। अभी जो है हम लोग निकलने वाले थे, क्योंकि धीरे धीरे जो है सब कोई जा रहे थे, तो हम लोग जो है अभी तक हम लोगों का तो मतलब टोकरी भी नहीं सजा था, बगल वाले सब जो है टोकरी उकरी सज गया था। तो यहाँ पर मेरी भाभी और मम्मी जो है सिंदूर लगाई कर रही थी सिंदूर, और यहाँ पे मम्मी जो है कपड़े उपड़े चेंज कर ली, क्योंकि भीगे हुए साड़ी में तो नहीं जाएगी ना, कपड़े चेंज कर ली। भाभी जो है मम्मी का साड़ी धो रही है, और ये मेरी मम्मी रही। अभी निकलते हैं हम लोग घर गाइस, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है। तो आज के लिए बाय बाय, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय गाइस।